हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा स्वर्ग है जहाँ पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को पनपने के लिए भारी मात्रा में संसाधन सीमित हैं, जहाँ काफ़ी प्रकार के जीव जंतु और समुद्री जीव रहते हैं जिनकी संख्या का अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। दुनिया में जितने भी जानवर हैं उनका आज तक 10% भी खोजा नहीं जा सका है। इसलिए समय समय पर कुछ मिस्टीरियस जानवरों की खबर सुर्खियों में आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान की तरक्की के चलते हुए ऐसे जीव भी वजूद में आ जाते हैं जिन्हें ना तो कुदरत और ना ही भगवान ने बनाया है, बल्कि इन्हें हम इंसानों ने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन हाइब्रिड जानवरों के बारे में। द कामा। कामा एक ऐसा हाइब्रिड है जिसे ऊंट और लामा के डीएनए के मिश्रण से तैयार किया गया है। वैसे तो ऊंट और लामा आकार और प्रकार में एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों के डीएनए से तैयार ये जीव वाकई बहुत अनोखा है। इस हाइब्रिड प्रजाति को दुनिया में सबसे पहले 14 जनवरी 1998 को दुबई में तैयार किया गया था। इस नए जीव को बनाने का असली मकसद लामा की एक ऐसी प्रजाति को विकसित करना था जिसकी सहायता से और अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त किया जा सके। आर्टिफिशियल तरीके से तैयार ये जीव अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में बहुत सक्षम है, क्योंकि हाइब्रिड प्रजाति होने के बावजूद ये जीव फीमेल लामा के साथ मीटिंग करने में बहुत उत्सुक पाया गया है। द जोंकी। इंसानों के द्वारा बनाई गई ये प्रजाति बहुत ही अनोखी है, क्योंकि ये प्रजाति गधे और जैबरा का एक मिश्रित रूप है जिसे वैज्ञानिकों ने साइंस लैब में तैयार किया है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करती, इस नई प्रजाति का आधा हिस्सा गधे का और आधा हिस्सा जैबरे का है। साइंस और वैज्ञानिकों की ये नई प्रजातियों को जन्म देने की होड़ आज ऐसे ऐसे करिश्मे कर रही है जिनके बारे में कभी सोचना भी बहुत मुश्किल था। द लाइगर। शेर और टाइगर के डीएनए के मिश्रण से तैयार ये जीव पूरी दुनिया में बिल्लियों की प्रजाति में सबसे बड़ी बिल्ली है। इनका वजन 400 किलो तक हो सकता है। इस प्रजाति की सबसे बड़ी बिल्ली का नाम हरकुलिस है, जिसका वजन 420 किलो है। इन नई प्रजातियों की बिल्लियों को जंगल से दूर रखा गया है, क्योंकि इन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्लियों की ये प्रजाति बेहद ही ताकतवर, तेज और आक्रामक है, और जंगल के दूसरे जानवरों के साथ इन्हें छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। द जैगलियन। नर तेंदुए और मादा शेर के मिश्रण से बना हुआ ये जीव देखने में बहुत ही अनोखा और काल्पनिक सा लगता है, लेकिन दिखने में ये जीव जितना सुंदर और अनोखा है, फितरत से ये उतना ही खतरनाक और तेज रफ्तार वाला है। कनाडा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लैब में बनाए गए इस नई प्रजाति की संख्या फिलहाल पूरी दुनिया में सिर्फ 2 है, लेकिन क्या भविष्य में हम इस प्रजाति को और करीब से देख पाएंगे? ये वाकई में एक अविश्वसनीय कल्पना हो सकती है। दाजो। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बताई गई ये एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। इस प्रजाति को एक दूध देने वाली गाय और याक के मेर से सबसे पहले साइंस लैब में बनाया गया था, लेकिन इस प्रजाति के फायदों की वजह से इसका पालन काफ़ी बढ़ गया और अब ये एक फलती फूलती प्रजाति बन गई है। इस प्रजाति की खास बात यह है कि ये बहुत अधिक मात्रा में दूध देती है, और इनके विशालकाय आकार के कारण इनसे अधिक मात्रा में मांस भी प्राप्त किया जाता है। आर्टिफिशियल तरीके से दो जीवों के डीएनए के मिश्रण से नई प्रजातियों को तैयार करना कितना सही और कितना गलत है, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन भविष्य में इन जीवों को देखना बहुत ही रोचक होगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जल्द ही मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।